आपने ये सुना होगा कि बॉलीवुड के दबंग खान का हाथ जिस पर होता है उसकी किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। और आजकल सलमान पंजाब की कैटरीना कैफ यानी कि शहनाज गिल पर मेहरबान है। सुनने में आया है कि सलमान ने अपनी फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में शहनाज गिल को रोल भी ऑफर किया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो मालूम नहीं, लेकिन सलमान और शहनाज की बॉन्डिंग का लेटेस्ट वीडियो आपको इस खबर पर भरोसा करने की फीलिंग देगा। सलमान खान की बहन अर्पिता के घर ईद की पार्टी रखी गई, जिसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरों ने भी अपनी शिरकत दर्ज कराई। इन सबके बीच जिसने सबसे ज्यादा लाइमलाइट लूटी वो थी पंजाब की कैटरीना कैफ यानी की शहनाज गिल। अर्पिता खान की ईद पार्टी में शहनाज गिल का नजर आना बताता है कि वो सलमान खान के फेवरेट्स क्लब में शामिल हो चुकी हैं। ईद पार्टी के बाद सबसे क्यूट वो नज़ारा था जब खुद दबंग खान शहनाज को उनकी गाड़ी तक छोड़ने बाहर आए थे। इस दौरान सलमान और शहनाज का एक अलग ही बॉन्ड देखने को मिला था। वीडियो में शहनाज और सलमान आपस में चिट चैट कर हंसते हैं। शहनाज सलमान को बार बार गले से लगाती हैं, उन्हें किस करती हैं, सलमान खान को पैम्पर करती हैं। शहनाज गिल सलमान को हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी तक ले गई। सलमान भी खुशी खुशी शहनाज को बाय करने उनकी गाड़ी तक गए। फिर गाड़ी के अंदर बैठने से पहले शहनाज सलमान को पुचकारती हैं और गाल पर हाथ फेरती हैं। शहनाज और सलमान का ऐसा बॉन्ड देख फैंस भी हैरान हैं। फैंस को दोनों के बीच की ये बॉन्डिंग काफी पसंद आ रही है और लोग इसे क्यूट और सच्ची बॉन्डिंग कह रहे हैं। आइए फैंस के कमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। ईद पार्टी में शहनाज गिल ब्लैक कलर के सूट में नजर आई थी, वहीं सलमान भी ब्लैक शर्ट में हैंडसम दिख रहे थे। इस पार्टी में दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करण जौहर, कंगना रनौत जैसे बड़े सितारे भी नजर आए थे। वेल, आपको शहनाज और सलमान की ये बॉन्डिंग कितनी पसंद आई हमें कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं।